दोस्तों आज मैंने इंडियन इस्लामिक टेम्पल के कुछ टोकन कलेक्ट किए हैं। वो टोकन कैसे दिखते हैं और उनका आज का मार्केट वैल्यू क्या हो सकता है, जानने के हम इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ गोल्डन कलेक्शन चैनल में। तो आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर ले, शेयर करें व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे अपने फ्रेंड फैमिली मेंबर्स के साथ। अगर इंडियन इस्लामिक टोकन उनके पास भी है तो उनको भी उस टोकन की सही जानकारी मिल जाए। और वीडियो को दोस्तों अपने लास्ट तक देखने से आपको सारी जानकारी मिल जाए इस्लामिक टोकन के बारे में। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए। जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे कॉइन नोट के बारे में, उसका आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा और सबसे पहले हमारी वीडियो को आप देख पाएंगे। और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। जब दोस्तों वीडियो को लाइक करते हो मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है और मेरा और मन करता है आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट कॉइन्स नोट के ऊपर इंटरेस्टिंग वीडियो बनाऊँ। तो दोस्तों इसको बोलते हैं इंडियन इस्लामिक टेम्पल टोकन। और दोस्तों ये श्रद्धालु को मिलते थे, जब हम इस्लामिक टेम्पल टोकन में जाते थे वहाँ जो श्रद्धालु उनको ये टेम्पल टोकन दिए जाते थे। और दोस्तों इसको हम टोकन बोलते हैं, इस्लामिक टेम्पल टोकन बोलते हैं। और ये टोकन बने थे 1850 और 1940 में। और ये टोकन के जो मेटल जो होता था वो ब्रास होता था और सिल्वर में भी बनते थे, बट ये टोकन ब्रास मेटल में बना हुआ है। और इस टोकन का जो वेट होता है 12 ग्राम के बीच में लगभग होता था और शेप राउंड होती है। और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं मॉस्को मॉस्क्यू का फोटो यहाँ बना हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं उर्दू में लिखा है मदीना शरीफ। और इसके जो रिवर्स साइड में दोस्तों आप देख सकते हैं खलीमा लिखी हुई है और 4 खलीफा के नेम लिखे हुए हैं। तो बहुत ही हिस्टोरिकल टोकन है। अगर आपके इस तरह का टोकन है तो उसे आप संभाल के जरूर रखे करें, हमारे हिस्ट्री से जुड़ा हुआ टोकन है। तो दोस्तों अगर अब बात करें इस टोकन के वैल्यू की, तो दोस्तों अगर आपके इस तरह का टोकन है तो आपको इस टोकन का वैल्यू मिल सकता है 200 से लेकर 500 रुपये पर टोकन के बीच में। डिपेंड करता है टोकन का कंडीशन कैसा है। अगर आपको सिल्वर का टोकन होगा तो उस टोकन का वैल्यू दोस्तों आपको 800 से लेकर 2000 तक मिल सकता है। डिपेंड करता है टोकन का वैल्यू कैसा होगा। और अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड फैमिली मेंबर्स का। अगर टोकन उनके पास भी है तो उनको भी इन टोकन की और सही जानकारी मिल जाए। तो उसके अलावा अगर आपके पुराने ओल्ड कॉइन्स या नोट है उनके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो हमने अपनी एक वेबसाइट भी बनाई गोल्डन कलेक्शन डॉट को डॉट इन के नाम से। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जब लिंक को क्लिक करें हमारी वेबसाइट पहुँच जाएगी तो वहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉइन्स नोट की जानकारी मिल जाएगी, जैसे पब्लिक इंडियन कॉइन, ब्रिटिश इंडियन कॉइन, रिपब्लिक इंडियन नोट, ब्रिटिश इंडियन नोट, मिस प्रिंट कॉइन, मिस प्रिंट नोट की जानकारी मिल जाएगी, वैल्यू का पता लग जाएगा। अगर आपके वो कॉइन है या नोट है तो वहाँ पे भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इस तरह का कोई टोकन है तो वीडियो नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और अगर आपको इस टोकन के बारे में कोई जानकारी है तो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, तो वीडियो नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया, लाइक दे शेयर कर दीजिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन दबा लीजिए। जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें कॉइन नोट के बारे में उसकी आपको सही जानकारी मिल जाए, सबसे पहले हमारी वीडियो आप देख पाए। अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपका दिन शुभ रहे और आप कॉइन्स और नोट का कलेक्शन करते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।